प्रधानमंत्री मोदी ने जिस वक्त से खादी ग्रामोद्योग के ऊपर अपनी नज़र डाली, उसके बाद से खादी ग्रामोद्योग कितना पॉपुलर हुआ है, इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि खादी के प्रोडक्ट लोग विदेशों तक खरीद के ले जा रहे हैं। और अब जब G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो विदेशी मेहमानों के लिए खास तौर पर खादी का स्टॉल लगाया जा रहा है। हमारे साथ मनोज कुमार जी मौजूद हैं, जो खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन हैं। सर, मैं देख रहा हूँ मेरे सामने में बहुत सारे मोदी जैकेट्स लगे हुए हैं, क्या तैयारी है इन जैकेटों के लिए? G20 का शिखर सम्मेलन माननीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में दिल्ली में हो रहा है। उसी सम्मेलन में भारत मंडप के हम लोगों का एक खादी एग्जीबिशन भी लगाया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम लोग खादी से बने उत्पादों को विदेशी मेहमानों के लिए बिक्री के लिए रखेंगे। उसमें हमारी खादी से बनी हुई मोदी जैकेट, सिल्क से बनी हुई मोदी जैकेट, एरी सिल्क से बनी हुई मोदी जैकेट, हम इस तरह से बहुत सारी जैकेट, बहुत तरह से खादी उत्पादों का हम लोग वहाँ पर बिक्री के लिए रखेंगे। आप देख पाएंगे कि किस तरह से हमारे लेह लद्दाख और कश्मीर में बने हुए हमारे शॉल, हमारी पश्मीना, हमारे किस तरह से हमारी बहनों के लिए भी जो लोग विदेशों से आएंगे वो लोग खरीद सकते हैं ये मोदी जैकेट। इस तरह से हमारी गुजरात की पटोला साड़ी, बनारसी साड़ियाँ, इस तरह से ना जाने हमारे कितने उत्पाद, हर्बल टी, हमारी मुल्तानी मिट्टी, हमारा हनी, हमारी ग्राम, हमारी ये जिस तरह से हमारी ग्रीन टी है, वो भी हम लोग विदेशी बाजारों तक हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। मतलब देसी सामान को विदेशी बाजार तक पहुंचाने की कवायद भी G20 की एक बैठक है। ऑफ कोर्स क्यों नहीं, जब आज विदेशी मेहमान भारत की इस धरती पे आ रहे हैं, तो हमारे गरीब से गमीर कामगार भाई जिस तरह से अपनी मेहनत से खादी के उत्पादों को तैयार करते हैं, उन उत्पादों की महक, उनकी खुशबू विदेशी धरती तक भी जानी चाहिए। मैं देख रहा हूँ प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बनारसी साड़ी भी यहाँ पे मौजूद है। ये बनारसी साड़ी, इसी तरह से हमारी पटोला साड़ी, इसी तरह से हमारी दक्षिण से कांजीवरम साड़ी, आप ना जाने कितने उत्पाद, पेंटिंग भी दिख रही है, पेंटिंग भी है, वेस्ट बंगाल की हमारी सिल्क भी है, मटका सिल्क भी है। तो हमारे बहुत से उत्पाद जो विदेशी मेहमानों के लिए बिक्री के लिए वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। एक बात बताएं कि जो पूरा स्टॉल होगा उसमें हर रेंज के प्रोडक्ट होंगे? ऑफकोर्स हर रेंज के प्रोडक्ट होंगे, जिस तरह की उनकी पसंद उस तरह के हमारे अंग वस्त्रम भी वहाँ पे रहेंगे, जो भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करेंगे। सांस्कृतिक मंत्रालय ने बताया कि पाटन पटोला से लेकर इगत तक होगा। मैं देख रहा हूँ कि इगत, बिल्कुल इगत से जुड़ी हुई हमारे सारे उत्पाद यहाँ पर हैं। आप जिस तरह से कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे जितने उत्पाद है, कांजीवरम साड़ियाँ, हमारी पश्मीना शॉल, हमारी मोदी जैकेट, हमारे नेचुरल डाई से बने हुए खादी उत्पाद जो जीरो कार्बन फुटप्रिंट छोड़ते हैं, तो हम पश्चिमी देश जब आज इसकी बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग ग्रीन उत्पादों को तैयार करें, उस दिशा में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी अपना दिन रात काम करने का प्रयास कर रहा है। अब की बार की हमारी बिक्री 1,35,000 करोड़ रुपए इस बात का उदाहरण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी अब ग्लोबल बनने जा रही है। तो मतलब पूरे ग्लोबल को, आप पूरे हिंदुस्तान को एक ग्लोबल समिट में दिखाएंगे, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बने हुए खादी के प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने जा रहे हैं। स्वदेश की ये धारा जो आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बह रही है, ये अब भारत से ही नहीं, भारत की धरती से निकलकर विदेशी धरती पर भी जाएगी। निश्चित रूप से विदेशी यह जान पाएंगे कि किस तरीके से बापू के इस चरखे ने पूरी दुनिया पर कब्जा किया। सर, एक बात बताएं कि ये किस तरीके से रोल कर रहा है? ये जो है हमारी रुई से टेप बनती है, टेप से ये धागा बन रहा है, इससे कपड़ा बनता है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं खादी ग्राम उद्योग का वहाँ पे चरखा आप लगाने जा रहे हैं? बहुत खुशी है, देश की गर्व की बात है, और अपने बहुत खुशी है G20 की। आप कहाँ से आए हैं? हम राजघाट गांधी दर्शन से आए। तो इसको भी वहाँ पे शोकेस किया जाएगा, और बकायदा जितने भी सदस्य देश आएंगे वो जान पाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से खादी ग्राम उद्योग, एक चरखे ने इस तरीका का रिवोल्यूशन किया कि आज एक खादी ग्राम उद्योग बहुत बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर डेवलप हो रही है, और अब तो ग्लोबल भी होने जा रहा है। कैमरामैन संदीप के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारत वर्ष, दिल्ली।